दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में झूठा प्रचार कर रहे हैं कि दिल्ली में पराली से खाद बनाई जा रही है। हकीकत में दिल्ली सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आदेश कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि न पूसा का कोई डीकम्पोजर किसानों को मिला और न ही सरकार की तरफ से कोई उनकी समस्याएं पूछने आए। पूरे देश के अंदर केजरीवाल जी प्रचार कर रहे हैं कि पराली से खाद बनाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके खेतों में क्या पराली से खाद बनाने का प्रोग्राम दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया? नहीं जी। क्या आपके यहाँ पराली से खाद बनाने का जो वो पूसा का डिकम्पोजर वो दिया गया आप लोगों को? कोई भी सरकार का नुमाइंदा आपके पास बात करने के लिए आया क्या? नहीं। ये झूठ जो टीवी पर, अखबारों में, दूसरे प्रदेशों में टीवी और अखबारों के माध्यम से दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए उस विज्ञापन पर खर्च हो रहे हैं। आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल ने पराली से खाद बनाने को लेकर टीवी और अखबारों में विज्ञापन चलवा और करोड़ों रुपए उन विज्ञापन पर खर्च कर दिए, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। केजरीवाल सरकार का एक भी नेता किसान के पास नहीं गया, ये केवल विज्ञापन को लेकर किया गया था।